यूपी के हमीरपुर जिले में खदानों में हाथ से कम होने के नाम नहीं लेते हैं। आज फिर एक खदान से मोरंग लोड करके लौट रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता और उसके दो पुत्र को टक्कर मार दी, जिसमें पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करते हुए ट्रक को आग के हवाले कर दिया और खदान बैरियर में तोड़फोड़ करते हुए मुआवजे की मांग की है। वहीं घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। नाम भैया? राजा भैया सिंह चौहान। कौन सा गांव है ये? ग्राम भुलसी। क्या मामला हुआ है यहाँ? साहब बालू माफियों का गुंडाराज चल रहा है जी। यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे गांव के कुछ प्रधानी लोग हैं उनका भी गुंडाराज है यहाँ के, जबरदस्ती नजायज खेत नपाए जाते हैं, जबरदस्ती ठेला निकाले जाते हैं। आज ये हादसा हुआ, दो बच्चे कानपुर के लिए रिफर किए गए हैं। ये प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ के SDM साहब जिम्मेदार है। हमारी मांग है कि यहाँ जिलाधिकारी हमीरपुर आए और कप्तान साहब आए। तो अभी कौन कभी खत्म हुआ? अभी यहाँ टप्पू प्रजापत खत्म हुए हैं। क्या उनके ऊपर क्या टक्कर लगी या ट्रक चढ़ गया? ट्रक चढ़ गया सर। अच्छा, मौके पर मौत हो गई? हाँ, मौके पर मौत। तो गुस्साए ग्रामीणों ने क्या किया हुआ? क्या गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी? वो तो उसी ने अपनी बचत के की थी। अच्छा, कि क्या यहाँ पे जो खदान चल रही है, आप लोग क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि साहब ये खदान कहीं दूसरी जगह से रास्ता कराई जाए, जो हमारे बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सके, स्कूल से आ सके और गांव का आदमी सुरक्षित रह सके। पुलिस प्रशासन कोई मदद कर रही है? मदद है, कोई ठेकेदार आया है? घटना हुई है, आगे क्या कार्रवाई चल रही है? यहाँ पे उसकी भुलसी खदान है, पट्टा धारक लोग हैं, वहाँ से ट्रक जा रही थी ऊपर लेके, तो यहीं ग्रामवासी जो है अपने बच्चों को लेकर, दो बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल जा रहे थे, उनको टक्कर लगी, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसी से थोड़ा ग्राम वाले आक्रोशित होकर के गाड़ी वगैरह फूस दिया होता है और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, बातचीत चल रही है और अभी इनका जो घायल है उनका इलाज हम लोग करवाएंगे और जो भी